तो अब से कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, इसलिए पूरी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक आज जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ जाने वाली हर सड़क को पूरी तरह से बंद किया जा सकता है। दिल्ली के कोने कोने पर नजर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली में आज एंट्री पर बैन। भारत में लोकतांत्रिक इतिहास में आज एक स्वर्णिम अध्याय लिखा जाएगा, जब प्रधानमंत्री मोदी देश को नए संसद भवन की सौगात देंगे और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी हाल में ऐसे कार्यक्रम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने देना चाहती, इसलिए आज पूरी दिल्ली को एक तरह से हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली एंट्री करने वाली सभी सीमाओं को एक तरह से सील कर दिया गया है। सीमा पर सुरक्षा बलों के जवान पूरी रात गश्त लगाते रहे। ये तस्वीरें हरियाणा और दिल्ली से जोड़ने वाली टीकरी बॉर्डर की हैं। किसान आंदोलन के वक्त ये आंदोलन के एक केंद्र के तौर पर रहा था। ऐसे में आज किसी तरह की कोई परेशानी सामने ना आए, इसलिए इसे पहले ही सील कर दिया गया है। हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है दिल्ली पुलिस के साथ, ताकि कोई भी कानून व्यवस्था ना बिगड़े, कोई अराजक तत्व आके कोई इसमें बिगाड़ ना करे। दरअसल दिल्ली पुलिस ने संसद भवन के आसपास किसी भी धरने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है, लेकिन जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों ने संसद भवन के बाहर महिला पंचायत बुलाई है, इसलिए पुलिस सजग हो गई है। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस ने किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी तो कर ली है, साथ ही भीड़ न जुटे इसकी भी तैयारी पुलिस ने की है। इसके लिए पुलिस ने दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने खासकर सिंघू बॉर्डर, दिलशाद गार्डन बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। पुलिस का आकलन है कि इन जगहों से हजारों किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए बॉर्डर के साथ साथ जंतर मंतर के आसपास भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आज जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ जाने वाली हर सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इन जगहों पर पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान बड़ी तादाद में मौजूद रहेंगे। इनमें भारी तादाद में महिला जवानों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में 6 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया गया है। तमाम तैयारियों के साथ पुलिस लगातार पहलवानों को मनाने की कोशिश में जुटी है। पुलिस पहलवानों से किसी और जगह महापंचायत करने का भी आग्रह कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। आपको बता दें कि देश यानी कि लोकतंत्र का जो नया मंदिर है वो देश को समर्पित करेंगे कुछ ही देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। हर एक बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, जो कि कुछ देर बाद ही लोकतंत्र का नया मंदिर देश को समर्पित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, और इसी के तहत सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह आप देख सकते हैं यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, और साथ ही सिक्योरिटी वहाँ पर हाई अलर्ट पर है। तमाम बॉर्डर्स की अगर हम बात करें, टीकरी बॉर्डर हो, बदरपुर बॉर्डर हो, यहाँ पर भी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, और सुबह से ही तमाम गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। तो सुरक्षा को लेकर भी व्यापक इंतजाम है, और लोकतंत्र का नया मंदिर भी तैयार है, और कुछ देर बाद हवन पूजन के साथ शुरुआत हो जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी अपने हाथों से इसका शुभारंभ करेंगे, और लगभग 8:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सिंगोल को स्थापित किया जाएगा। कल विधि विधान के साथ संतों ने, महंतों ने पीएम नरेंद्र मोदी को यह सिंगोल सौंपा है, और आज इसको विस्थापित कर दिया जाएगा। देश को नए संसद भवन का तोहफा मिलेगा, पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों से इसका उद्घाटन किया जाएगा, और 7:30 बजे से ही समारोह की जो शुरुआत है हवन के साथ होगी, और इसके लिए गांधी प्रतिमा के पास ही पंडाल लगाया जाएगा। और इस पूजा में प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे, और 8:30 से 9 बजे के बीच में तमिलनाडु से संबंध रखने वाले चांदी और से निर्मित सोने की परत वाले ऐतिहासिक सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास ही स्थापित किया जाएगा। तो अगस्त 1947 में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया ये रस्मी राजदंड इलाहाबाद संग्रहालय की नेहरू दीर्घा में रखा गया था, लेकिन अब ये
लोकतंत्र के मंदिर में स्थापित हो जाएगा। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 7:30 बजे से शुरुआत हो जाएगी, 9 से लगभग 9:30 के बीच में प्रार्थना सभा होगी। शंकराचार्य सहित कई बड़े विद्वान पंडित संत इस प्रार्थना सभा में उपस्थित रहेंगे। समारोह का दूसरा चरण जो है 12:00 बजे से राष्ट्रगान के साथ शुरू होगा और इस अवसर पर 2 शॉर्ट फिल्में भी दिखाई जाएगी। तो पल पल की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का।